दोस्तों एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुमंदर तो आप लोग देख रहे हैं टर्बोटेक वन। सो आज मैं करने वाला एक फोन का ब्रेकडाउन, तो जो फोन हाल ही में नवंबर 8 को हुआ है रिलीज, तो इस वीडियो का आप आगे देखते रहिए और मैं करूंगा उस फोन का ब्रेकडाउन और दूंगा कुछ बेसिक डिटेल्स और जानकारी। सो लेट्स बिगिन। अभी मार्केट में एक नया दौर शुरू हो गया सेल्फी लेना, और हर कोई तो सेल्फी लेता है। अगर आप कहीं भी मार्केट में निकलो तो कोई ना कोई तो आपको दिख ही जाएगा जो सेल्फी ले रहा है, और उसके हाथ में होगा ओप्पो या फिर वीवो। तो ओप्पो और वीवो को टक्कर देने के लिए एमआई ने लॉन्च कर दिया अपना एक नया प्रोडक्ट Y1 और Y1 Lite। तो Y1 और Y1 Lite के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं Y1 के बारे में। एमआई आपको दो तरीके का Y1 दे रहा है, एक 3GB रैम और 32GB रोम का, और दूसरा 4GB रैम और 64GB रोम का। और इसका प्रोसेसर आ रहा है स्नैपड्रैगन 435 का, और इसका बैटरी भी काफ़ी अच्छा है। इसका बैटरी 3000mAh का आ रहा है, और इसका स्टैंड बाई टाइम है 10 डेज। और इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो कि 2.2 अपर्चर के साथ आता है। उसका फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है, 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ और 76.4 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ। और इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है जो देता है आपको 1080p और 720p के साथ 3fps का सपोर्ट। इस फोन का मेन हाईलाइट है इसका कैमरा जो कि आता है इनबिल्ट फिल्टर के साथ, और सॉफ्ट टोन सेल्फी लाइट आपको मदद करता है स्किन टोन एडजस्ट करने में, जो देता है आपको एक बेहतर सेल्फी अंधेरे में भी या फिर कम रोशनी में भी। और इसके डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है जो कि आता है कलर एडजस्टमेंट मोड के साथ 5.5 इंच का डिस्प्ले और 1280x720 का रेजोल्यूशन के साथ। और अभी एमआई ने किया एक बेसिक सा चेंज जो कि बहुत ही कमाल का है। अब पहले तो एमआई में एक हाइब्रिड सिम स्वैप का ट्रे आता था जिसमें आप या तो दो सिम लगा सकते थे या फिर एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड, लेकिन अभी एमआई दे रहा है 2+1 का हाइब्रिड सिम स्वैप, मतलब आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं उसके साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं अप टू 128GB तक का। तो ये तो था एमआई Y1 के बारे में। अभी Y1 जो लाइट है इसमें कुछ बेसिक सा चेंज है दो। यहाँ पे आपको 2GB रैम और 16GB रोम मिलेगा, और इसका जो फ्रंट कैमरा है इसका फ्रंट कैमरा आप 16 मेगापिक्सल का नहीं रहेगा, इसका फ्रंट कैमरा रहेगा 5 मेगापिक्सल का। और इसका दाम भी काफ़ी कम है, 7000 में ये आपको फ्लिपकार्ट में शायद मिल जाएगा। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है जहाँ पे आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ क्वालकॉम का 435 का प्रोसेसर, HD वीडियो रिकॉर्डिंग, HD डिस्प्ले, काफ़ी बढ़िया है Y1 Lite। लेकिन Y1 जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसका कीमत करीब 11000 के आसपास है, और जो दूसरा वाला 3GB रैम और 32GB रोम उसका कीमत करीब 8900 के आसपास ऐसा कुछ आता है फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा Y1 जो 4GB रैम और 64GB रोम के साथ आता है वही शायद बेस्ट है, क्योंकि देखिए अगर फ़ोन लेना है तो इंटरनल मेमोरी को ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ोन जो है उसका प्रोसेसर, फ़ोन का प्रोसेसर अच्छे से काम करता है। इंटरनल मेमोरी अगर छोटा हो जाए ना तो बहुत दिक्कत होता है काम करने में। अगर यहाँ पे Y1 Lite में आप देखो यहाँ पे आपको दे रहा है 2GB रैम और 16GB रोम, तो 16GB रोम बहुत ही कम है, इसका जो प्रोसेसर है यही आधा ले देगा 16GB का, और आपको बचता है सिर्फ 8GB। अगर सबसे कम में लेना चाहो ना तो Y1 Lite सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये स्पेसिफिकेशन बहुत है। इसका जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का आता है, ये भी 2.0 अपर्चर के साथ ही आता है, लेकिन वही जो वहाँ पे आ जाकर अटक जाता है। इसका जो रैम और रोम है ना ये बहुत कम है, रैम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रैम जितने भी दे 2GB मिनिमम अभी रहता है, 2GB का कम नहीं रहता है, और 2GB रैम में भी आपका फ़ोन अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर आपका रोम बहुत कम रहे ना तो क्या होता है आपका प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर पाता, फ़ोन ज़्यादा हैंग होता है उससे। और बैटरी भी सेम है सबका, बस Y1 और Y1 Lite में दो बेसिक डिफरेंट है, एक कैमरा नहीं रहेगा, कैमरा 5 मेगापिक्सल का आ जाएगा, दूसरा है इसका मेमोरी जो एकदम मिनिमम है 2GB रैम और 16GB रोम। सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कौन सा फ़ोन पर्सनली ज़्यादा पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताना,
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल वाला आइकन जरूर दबाइए, उससे क्या होगा हम जब भी कोई वीडियो पोस्ट करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।